दोस्तों नमस्कार, और सबसे पहले आप लोग को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों इससे आगे बात करूं योग के बारे में कुछ और, सबसे पहले जान लेते योग होता क्या चीज़ है। दोस्तों अगर सामान्य भाषा में बात करें तो योग क्या होता है, हमारे तन और मन मतलब हमारे मस्तिष्क और शरीर का एक मिलन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा व्यायाम होता है जिसमें तन और मन दोनों का दोनों हिस्सा लेता है। और दोस्तों वैसे भी तन और मन का तो रिलेशन होता ही है आपस में, और इसीलिए हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति चाहे आयुर्वेद भी हो और यहाँ तक कि यूनानी चिकित्सा पद्धति भी शरीर और मन को अलग नहीं मानता। और ये बात साफ साफ माना जाता है कि मन हमारे तन को और हमारा तन हमारे मन को प्रभावित करता है। इसीलिए तो यूनान के बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी ये बात कहते हैं कि डॉक्टर सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि मन को समझे बिना शरीर का इलाज करते हैं, और योग भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। और दोस्तों शुरू में तो एलोपैथी ये बात मानता ही नहीं था कि शरीर का मन से कोई मतलब होता है, इसीलिए मानसिक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, सारा का सारा इलाज शारीरिक तरीके से करता था। लेकिन हाल के दिनों में एलोपैथी भी मन की स्थिति को समझने लगा है। एलोपैथी भी बात कहता है कि तनाव मत लीजिए तब शरीर अच्छा रहेगा। और दोस्तों कोई भी बुरा खबर सुनकर या एकाएक बहुत ही ज़्यादा झटका लगने वाला खबर सुनकर लोगों का हार्ट अटैक आ जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा शरीर मन से प्रभावित होता ही है। और दूसरी बात, हम जो भोजन करते हैं, जो हम शरीर को अपना भोजन देते हैं, उसके हिसाब से हमारा मन भी बदलता है, मतलब हमारा तन हमारे मन को ही प्रभावित करता है। इसीलिए तो कहा जाता है जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, मतलब हमारा तन का मन से और मन का तन से बहुत ही गहरा रिलेशन है, और योग इसी थ्योरी पर काम करता है। तो दोस्तों योग के बारे में और मैं आपको कुछ बताऊं, इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि योग का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो दोस्तों वैसे अगर माना जाए तो योग का इतिहास तो हमारे देश में 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन योग का वास्तविक संस्थापक पतंजलि महर्षि को माना जाता है। पतंजलि जी ने योग को शुरुआत किए, स्थापना किए, मतलब एक विधि सम्मत तरीके से सबके सामने लाया, और तब से लेकर आज तक अलग अलग राजवंशों द्वारा और अलग अलग समाज द्वारा इसे अपने तरीके से उपयोग किया गया। और दोस्तों अगर आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक समय की बात करें, तो योग को जगह जगह पहुंचाने में, योग के प्रचार प्रसार में स्वामी रामदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी का एक परिणाम है कि 21 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया गया, और तब से लेकर आज तक योग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि जिस दिन पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था, मतलब 21 जून 2015 को, उस दिन रिकॉर्ड 35,985 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग में भाग लिए थे। और आज 21 जून 2021 को 7वां विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों मैं अपने वीडियो के सार के रूप में आप लोग को ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग कितना भी बिजी हो, कितना भी व्यस्त हो, कहीं भी हो, आप लोग समय निकाल कर योग जरूर कीजिए। एक बार योग करके देखिए, आपका शरीर और आपका मन एक अलग ही टाइप का शांति में जाएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा। आप योग करके देखिए, तभी तो कहते हैं करो योग रहो निरोग। दोस्तों योग में बहुत बड़ी चीज है, हमारे जीवन को स्वस्थ और आनंदित बनाने के लिए योग का बहुत महत्व है। तो दोस्तों योग को लेकर जन कल्याण के पक्ष में बनाया गया मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।